हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11वीं में रसायन विषय के अंतर्गत रासायनिक साम्य, जो पिछले टॉपिक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, उसी के अगले जो कालखंड है उस पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें हमको पढ़ना है साम्य नियम और सक्रिय मात्रा के नियम, इस पर हमको चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम पुनः यहाँ पर मैं साम्य नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। साम्य नियम, साम्यावस्था जैसे लागू होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, उसमें कुछ नियम लगते हैं। उन नियमों में एक नियम है जिसको साम्य नियम कहते हैं। इस नियम के तहत इसको आइए हम समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे माना एक अभिक्रिया इस प्रकार से है, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार से, नाम है उसका मान लीजिए ए और बी, ये दोनों अभिकारक हैं और क्रिया करके इस प्रकार से उत्क्रमण अभिक्रिया के लिए तीर चिन्ह दोनों साइड में उत्पाद बना रहा है, मान लीजिए सी और डी। अब यहां पर मान लेते हैं इस अभिकारक ए के मोलों की संख्या स्मॉल ए मोल और बी का मान लेते हैं स्मॉल बी मोल, इतने मोल। जैसे हम दो मोल लिखते हैं, तीन मोल, वही मान है। हम अभी समझने के लिए समान रूप से ए और बी के रूप में इसको लिख रहे हैं। उसी प्रकार से इस सी का मोलों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल सी है और इस डी जो पदार्थ बना हुआ है उत्पाद के रूप में, इसके मोलों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल डी है। इसको यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो उत्पाद है राइट हैंड साइड की ओर, इसको नियम के तहत प्रयोग के द्वारा यह बताया गया है कि एक निश्चित ताप पर जब साम्यावस्था लागू होते हैं तो इस समीकरण में जो दाईं ओर है उसके सांद्रता का गुणनफल, अर्थात इस प्रकार से राइट हैंड साइड की ओर सांद्रता पदार्थ है सी, इसके मात्रा इसको अपन सक्रिय मात्रा कहते हैं, और उसी प्रकार से राइट हैंड साइड की ओर पदार्थ डी की जो मात्रा है इसको सक्रिय मात्रा कहते हैं, इसका गुणनफल, और लेफ्ट हैंड साइड की ओर अभिकारक ए की सक्रिय मात्रा और अभिकारक बी की सक्रिय मात्रा, इसका जो अनुपात होता है इसको थोड़ा और लिखेंगे अपन। यहाँ पर जैसे ए के सामने में ए लिखे हैं तो इसको जब इस नियम में लिखते हैं तो इसको घात में लिखा जाता है स्मॉल ए, जो मोलों की संख्या है उसको इस बड़े कोष्ठक के रूप में जो लिखा गया है इसको हम सक्रिय मात्रा कहते हैं, इसके घात के ऊपर में लिखते हैं। उसी प्रकार से पदार्थ बी के मोलों की संख्या स्मॉल बी है, इसको भी इस प्रकार से हम घात के रूप में लिखेंगे। उसी प्रकार से सी के लिए यहाँ पर चूंकि हम सी माने हैं इसमें मोलों की संख्या, इसीलिए हम यहाँ पर घात के रूप में लिख रहे हैं सी, और इस पदार्थ या उत्पाद डी के मोलों की संख्या स्मॉल डी है तो इसको इस प्रकार से हम घात डी के रूप में लिख रहे हैं। तो इनका जो अनुपात है, यानी कि दाहिने तरफ के पदार्थों के सक्रिय मात्रा जिसको बड़े कोष्ठक में लिखा गया है उसके गुणनफल, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पदार्थ हैं उनके सक्रिय मात्रा का जो गुणनफल होता है वो भी एक निश्चित मान होता है, जिसको हम इस प्रकार से हम Q के रूप में लिखते हैं, कैपिटल Q। कैपिटल Q को यहाँ पर हम सांद्रता भागफल कहते हैं, ये शब्द इसके लिए सांद्रता भागफल, अंग्रेजी में इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कोशियंट, इसके यहां पर खास करके एक कॉन्सेंट्रेशन
और ये क्यू यू ओ टी ई आई एन टी कोशियंट, तो यहां पर एक क्यू के रूप में है इसीलिए इसको अपन एक क्यू के रूप में लिखते हैं इसमें। तो ये सांद्रता भागफल जो है पदार्थों के दाई तरफ या उत्पाद ही बोल सकते हैं, उत्पाद के सक्रिय मात्रा का गुणनफल और अभिकारक के सक्रिय मात्रा का गुणनफल, इसका जो अनुपात है इसी को हम इस प्रकार से एक शब्द है सांद्रता भागफल के द्वारा व्यक्त करते हैं। और एक निश्चित ताप पर इस Q का जो मान होता है, निश्चित ताप पर Q का मान जिसको अपन सांद्रता भागफल कहते हैं, इसका मान साम्यावस्था स्थिरांक जिसको अपन K के द्वारा लिखते हैं, यहां पर एक K को कहा गया है साम्य स्थिरांक, इसके बराबर होते हैं। तब जब साम्यावस्था जाते हैं तापमान निश्चित हो जाता है तब के यहां पर Q का मान K के बराबर होते हैं। इसमें इस प्रकार हम इस नियम को, इस प्रकार के लिखने की जो प्रथा है इसको हम साम्य नियम कहते हैं। तो आइए हम इसके अगले चरण पर थोड़ा प्रवेश करें और एक टॉपिक हम लेते हैं इसमें जिसका नाम है सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा, अंग्रेजी में इसे एक्टिव मास, ए सी टी आई वी ई एक्टिव मास इस नाम से जानते हैं। तो ये सक्रिय मात्रा क्या है इसके बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। ऐसे सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव का मतलब क्रियाशील, मास का सामान्य मतलब होता है द्रव्यमान या मात्रा। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं उसमें जो भी पदार्थ होते हैं क्रियाकारक पदार्थ उनके सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या होती है, तो इसको हम सक्रिय मात्रा कहते हैं। जैसे यहां पर मैं इसको संकेत के रूप में लिख रहा हूं, इसमें सक्रिय मात्रा बराबर पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या प्रति लीटर। ये परिभाषा के रूप में कहेंगे तो ऐसा है, पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या वो भी प्रति लीटर, माने एक लीटर बिलियन में जो क्रियाकारक पदार्थ है उसकी सक्रिय रूप से कितने मात्रा अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इसको और दूसरे शब्दों कहेंगे तो सक्रिय रूप से पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या प्रति लीटर, इसी को हम और ग्राम अणुओं की संख्या प्रति लीटर भी के नाम से जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में ग्राम अणुओं की संख्या प्रति लीटर। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या प्रति लीटर को हम सक्रिय मात्रा कहते हैं। जैसे यहां पर इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से हो गया, यहां पर सक्रिय मात्रा बराबर मोलों की संख्या प्रति लीटर, ये हो गया। यहां पर इसको अपन ग्राम मोलों के रूप में लिख रहे हैं, ऐसा ग्राम मोलों की संख्या प्रति लीटर, यानी हम इसको इस पर लिखेंगे तो इस प्रकार से भागित के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन है वो भी लीटर में, तो लीटर में आयतन, वह जो आयतन है
उस पात्र का आयतन है, जिस पात्र में हम रखे हैं उस पात्र का आयतन हमको लीटर में इसको लिखना है। तो यह सूत्र हो गया ग्राम मोलों की संख्या बटा, जिसको हम सामान्य शब्द में बोलते हैं वो भी लीटर में आयतन है। इसी को दूसरे शब्दों कहेंगे तो ग्राम अणुओं की संख्या भी यहाँ पर लिख सकते हैं और वो भी नीचे में लीटर में आयतन है। इसको थोड़ा सूत्र के रूप में यहाँ पर लिखने का प्रयास करें और इसको सक्रिय मात्रा को ऐसा हम दूसरे तरफ लिखते हैं तो ऐसा बड़ा कोष्ठक दर्शा देंगे। तो बड़ा कोष्ठक ये बताता है हमको पढ़ना है यहाँ पर सक्रिय मात्रा, इसको बड़ा कोष्ठक नहीं पढ़ना है, इसे सक्रिय मात्रा के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इसको और दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो हम इसको ऐसा कैपिटल सी बोलते हैं, कैपिटल सी लिखेंगे इस टॉपिक पर, इसका मतलब भी हमको पढ़ना है सक्रिय मात्रा। तो दो तरह के सोच के इसमें एक बड़े कोष्ठक में रूप लिखते हैं या तो इसको सी के रूप में लिखना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमको यहाँ पर पढ़ना है केवल सक्रिय मात्रा या सक्रिय द्रव्यमान भी मान सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सी, सी बराबर या सक्रिय मात्रा बराबर संकेत के रूप में मोलों की संख्या, इसको संकेत के रूप में लिखते हैं स्मॉल एन। आप लोग कक्षा 11वीं के पहले पाठ में रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग मोलों की संख्याओं के बारे में स्पष्ट ज्ञात हो चुका है, उसको हम स्मॉल एन के द्वारा ऐसा व्यक्त करते हैं। तो हो गया मोलों की संख्या और नीचे में है आयतन है उस पात्र का लीटर में। तो यहाँ पर आयतन के लिए यहाँ पर संकेत होते हैं वॉल्यूम, जिसको कैपिटल भी के द्वारा दर्शाते हैं। तो सी बराबर एन बट्टा भी। इसी को थोड़ा सा हम दूसरे शब्दों में और कहें तो यहाँ पर एन को मोलों की संख्या, इसका सूत्र होता है डब्लू बट्टा एम, जहां पर ये जो W है, W माने वेट, पदार्थ का द्रव्यमान, हम कितना ग्राम पदार्थ लिए हैं वेट उसका ये बताता है, और M उसका यदि खास करके अणु के ही रूप में रहते हैं कोई पदार्थ, इसीलिए अणु द्रव्यमान समझ लीजिए। तो ये पदार्थ है, उस पदार्थ का द्रव्यमान है और उसका अणु द्रव्यमान। और यहाँ पर नीचे में है भी, भी का मतलब हम अभी बता चुके हैं बिलियन ए सॉरी पात्र का आयतन है जो कि लीटर में है। इस प्रकार से दूसरे शब्दों में C बराबर N बटा भी या C बराबर W बटा M और नीचे में ही है गुणित भी। यहाँ पर W का मतलब है पदार्थ का द्रव्यमान और ये भी द्रव्यमान है इसमें ग्राम में, और M जो है इसमें उस पदार्थ का अणु द्रव्यमान है या जिसको अणु भार भी बोलते हैं, अणु भार भी। तो यहां पर लिख चुके हैं अपन आयतन है लीटर में, भी बराबर आयतन लीटर में। तो ये सूत्र हो गया आप सक्रिय मात्रा C बराबर W बटा M और नीचे में ही है गुणित भी के रूप में। आइए हम इसको एक बार पुनः थोड़ा समझ लें इसमें कि एक लीटर का पात्र है उसमें हम अभिकारक लिए हैं तो कितने अभिकारक सक्रिय रूप से भाग ले है तो उपस्थित, लेकिन वो सभी क्रिया नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ ही क्रिया कर रहे हैं, तो कितने ग्राम मोल अभिकारक क्रिया कर रहे हैं उसी के संख्या को हम बोलते हैं सक्रिय मात्रा। ये संकेत हो गया, इसके लिए इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक या तो हम सी के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा इसको आंकिक प्रश्न की दृष्टि से इसको हल कराता हूं मैं आपसे। जैसे एक सवाल है दो लीटर का एक पात्र है, दो लीटर एक क्वेश्चन है आंकी प्रश्न है, दो लीटर आयतन वाले पात्र में
आयतन वाले पात्र में 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, जिसको हम O2 ऐसा इस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 गैस भरी हुई है, भरी हुई है, तो उसके सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। तो ऑक्सीजन गैस की सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। सवाल एक बार पुनः सुन लीजिए। 2 लीटर आयतन वाले पात्र में 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो उस ऑक्सीजन गैस की सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। तो हम सीधा सीधा इसमें सूत्र लगाएंगे, सक्रिय मात्रा बराबर W बटा M। नीचे में अभी हम सूत्र लिख चुके हैं इसके बारे में, इसको सीधा सीधा इस सूत्र में अप्लाई करें। तो मान को लिखें अपन W, मान आप लिखा गया अभी इसमें कि उस पदार्थ का द्रव्यमान है, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम है, यहां पर 16 ग्राम, इसी यहां पर हमको मान को लिखना है, ये ग्राम में है। नीचे में उस पदार्थ का जिसका हमें निकालना है उसका अणुभार, तो यहां पर हमारा जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस का अणुभार जैसे कि हम जानते हैं एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो यहां पर O2 के रूप में है, यानी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 ये O2 का यहां पर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो 16 × 32 इसको हम यहां पर ग्राम के रूप में लिख रहे हैं, 32 ग्राम, इसको भी हम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अणुभार हो गया इसका 32, मान को लिख दिया गया। आगे उस पात्र का आयतन हमें लिखना है, यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है 2 लीटर आयतन वाले पात्र है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है इसमें 2। इस प्रकार से इसको हल करें अपन, तो इस प्रकार से हल करेंगे तो 16 × 16 × 2 अलग से मैं इसको हल कर रहा हूँ, 16 × 2 और 1/4, 1/4 को यदि और हल करना चाहेंगे तो 0.25। अभी जो मात्रा है इसके इकाई, इसको लिखेंगे अभी हम जैसे कि लिख रहे हैं W/m का मतलब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को लिखते हैं मोल, और बिलियन माने पात्र का आयतन है लीटर में, इसीलिए हो गया ये प्रति लीटर। इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा 0.25 मोल प्रति लीटर। केवल आप यहां पर मान को ही लिखना है इस सूत्र के माध्यम से, इसमें W/m नीचे में है भी, ये है मोलों की संख्या प्रति लीटर। आइए एक सवाल हम यहां पर देखें, इसमें इसका आशय भी थोड़ा समझ लें। इसमें होने के लिए हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें से यदि इसको मोलों की संख्या पर व्यक्त करें अपन, तो 32 ग्राम का मतलब होता है यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस, उसमें से 1 मोल में से सभी ने सक्रिय से भाग नहीं लिया, O2 अणुभार इसमें है ऐसा, इस प्रकार से O2 यानी कुछ नहीं माने 1 है, वो हम इसको मोल के रूप में लिखते हैं, माने टोटल 1 मोल है 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसको आप लोग पूर्व माने पहले ही 11वीं के प्रथम कालखंड में ही आपके पास इसमें मोलों की संख्या का अवधारणा स्पष्ट हो चुका है, जिसमें 1 मोल O2 का मतलब हो गया इसके अणुभार के बराबर 16 × 32, मैं ग्राम में लिखूं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम O2 माने 1 मोल O2, तो उसमें से 1 मोल हमने लिया है, उसमें आधा मोल लिया है, तो उस आधा मोल में से केवल 16 ग्राम है, 32 ग्राम नहीं लिया गया, केवल यहां पर 16 ग्राम लिया गया है, तो इसका मतलब आधा मोल को लिया गया है,
इसको दूसरे शब्द में कहूं मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऐसा इसको संक्षेप में बता रहा हूं, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब आधा मोल ऑक्सीजन, तो उसमें से आधा मोल का मतलब 0.5, वो 0.5 में से पूरे पूरे सदृश भाग नहीं ले रहे हैं, केवल 0.25 उसमें से और आधा भाग मोल एक लीटर के अंतर्गत सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से इसका आशय है इसमें। आइए जरा एक हम दूसरे एक प्रश्न पर जाएं, इसमें उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, एक लीटर आयतन वाले पात्र में, मैं मान को बदल रहा हूं, केवल 34 ग्राम अमोनिया गैस भरी है। ये दूसरा सवाल है, एक लीटर आयतन वाले पात्र में 34 ग्राम अमोनिया गैस भरी हुई है, तो उस अमोनिया की सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। तो सेम सूत्र हमको ही अप्लाई करना है, सक्रिय मात्रा बराबर मोलों की संख्या माने W बटा M, नीचे में सूत्र ऑलरेडी है इसमें, मान को केवल हमको यहां पर पुटअप करना है। तो रखें मान को यहां पर, इसमें 34 ग्राम अमोनिया है तो वेट है उसका द्रव्यमान, तो ये हो गया यहां पर 34, नीचे में यहां पर उसका अणुभार जिसका हमें निकालना है, तो हमको निकालना है अमोनिया का निकालना है, तो पहले इस NH3 का हम अणुभार यहां पर लिख दें। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3, इस प्रकार से 14 और 3 17, ये इसका अणुभार है अमोनिया का अणुभार, इसी मान को यहां पर लिखना है अपन, जिस अणु को निकालना है उसका निकले अपन, तो ये 17 हो गया उसका अणुभार। अब आगे है उसके आयतन, आयतन यहां पर एक लीटर वाला है, इसीलिए हम यहां पर केवल यहां पर लिखेंगे एक लीटर, इस प्रकार से मान को रखेंगे, तो सूत्र होगा इस प्रकार से 34/17, और सरल रूप में कहेंगे तो 34/17 का मतलब और हल करेंगे तो 17 × 17 × 2 अर्थात इसका जो मान आएगा वो 2 आएगा इसमें, और जो इकाई होगा, चूंकि टोटल इतना मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या के लिए हम लिखते हैं मोल और बटा आयतन है लीटर में, इसीलिए होगा प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर। ऐसा और भी कोई मान इस प्रकार से आपको देंगे तो आपको केवल मान को यहां पर रखना है, कोई भी सवाल हो जाए इसमें, हर एक का अपन अलग अलग मान, एक साथ भी रहता है, इसमें इतने ग्राम है, इसमें इतने ग्राम है, तो भी हमको इसी प्रकार से केवल सूत्र में ही मान को रखते जाना है। मैं थोड़ा सा इसमें एक ml वाला को यहां पर मैं आपको बताऊं मान को, यदि मान लो इस प्रकार सवाल आते हैं, जैसे मान लो यहां पर इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, 500 लीटर के जगह में यहां पर चेंज कर रहा हूं मैं ml मिलीलीटर में, तो 500 ml आयतन वाले पात्र में, मान लो मैं समझाने की कोई दूसरा मान चेंज कर रहा हूं, जैसे 17 ग्राम अमोनिया, कोई मान हो सकता है, मैं समझाने के लिए आपको इस प्रकार से मान ले रहा हूं, 500 ml वाला एक आयतन वाला पात्र है, उसमें 17 ग्राम अमोनिया गैस भरी हुई है, तो उस पात्र में जो अमोनिया गैस भरी हुई है उसके सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। तो हमको केवल चेंज करना है ये जो ml वाला है यहां पर मान, चूंकि हमारे सूत्र में अभी लीटर वाले में है, हमको केवल चेंज कर देना है, या तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, एक लीटर में कितना होगा निकाल सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, जो हमको चूंकि अभी लीटर में निकालना है सूत्र में, तो हम इसको लीटर में बदल दें, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो मैं जैसे यहां पर सीधे सीधे मान यहां पर पुटअप करने के लिए यहां बता रहा हूं, यदि ml में ही इसको लिखना होगा, मैं यहां पर अलग से सूत्र बता रहा हूं, इसको अभी तक हम लीटर में लिख रहे थे, यदि ml में लिखना होगा तो गुणित 1000 कर दें ऊपर में, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर होते हैं, तो सूत्र बदल जाएगा, आपको लीटर में फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसी में आ जाएगा, ये मान जो है ml में है, गुणित ऊपर में कर दें अपन 1000, तो ये मान हो गया आपका सीधा ml में। अब इस प्रकार से लिखेंगे तो हो गया यहां पर, इसी के आधार पर ये 500 है यहां पर नीचे में, जैसे उदाहरण के इसी को ले रहा हूं मैं, 17
सवाल के अनुसार में 17 ग्राम अमोनिया है और उस अमोनिया का जो अणुभार है वो भी 17 है। यहाँ पर उत्तर आता है इसमें 17 गुणित 1,500 एकम 500 दूनी 1 कट गया दोनों 17 17 केवल 2 मोल प्रति लीटर के रूप में आएगा। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बीस मिनट वाला हो गया, बंद है बंद। हाँ सर, हाँ सर जी पूरा जी है ना, ये डब्ल्यू और यहाँ पर डब्ल्यू बराबर मांग करो जी है ना, और क्लियर हो जाएगा जी। और इसको भी को आप क्लियर करो जी, ये पात्र का आयतन है करके एम बटे अभी डब्ल्यू बटे एम गुणित भी, भी जो है पात्र का आयतन है। वहाँ पर अभी सूत्र में लिखा जा चुका है, अभी जब हल इसको बता सक्रिय मात्रा करेंगे जी 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 ये ऐसा हुआ, मैं कैमरा उधर जी करूँगा ठीक है ठीक है। और ये जो है ना इसको बदल दिया ठीक है, ये जब W बराबर ये बराबर ये V बराबर ये तो क्लियर हो गया जी। अब सीधा सीधा मान रखने से अभी सूत्र में लिखा था, अभी इसे सूत्र बनाया ना नहीं जी, चेंज कर रहे हो ना जी, तो सूत्र को चेंज कर तो पुटअप कर रहे हैं, पुटअप को थोड़ा छोड़ दो, मान रखने पर सूत्र में मान रखने पर जी वो है जी आपका जी सूत्र में मान रखने पर पुटअप थोड़ा छोड़ दो जी। तो ये आप इसके बराबर W बराबर यहाँ मान कितना होगा, इसके बराबर मान कितना होगा, अब इन्हीं मान को हम इस सूत्र में रखते हैं, मान को रखते जी, हैं जी, ये इस प्रकार जी। और भी मतलब वीडियो आपका बहुत अच्छा बनेगा, आवाज के साथ जी मैच होगा, जो आप लिख रहे हैं वो ऊपर भी रहे लिख भी रहे जी है ना, भी को इस सूत्र में लिखा है बोलो ठीक बढ़िया सर। इसको नाम मिटा देता हूँ, ऐसा आना है ना। हाँ ठीक है ना, तो ऐसा करूँगा ना, अभी आइए आइए एक नया सवाल लेते हैं, बोल करके चालू करता हूँ है ना, आइए इसी पर एक नया सवाल अपन लेते हैं। आइए हम जिसमें हमको तीन अलग अलग पदार्थ हमको दिए हुए हैं, उसमें सब का हमको अलग अलग रूप से सक्रिय मात्रा निकालना है। जैसे कि यहाँ पर सवाल है, इसमें क्वेश्चन 2 लीटर आयतन वाले पात्र में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस 12.7 ग्राम आयोडीन, इसका संकेत I2 होता है, और 12.8 ग्राम HI हाइड्रोजन आयोडाइड उसमें भरी हुई है। तो इसमें प्रत्येक के सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। इस सब का हमको यहाँ पर अलग अलग निकालना है, सक्रिय मात्रा का मान ज्ञात करना है। सवाल एक बार और सुन लीजिए, 2 लीटर आयतन वाला पात्र है, उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस 12.7 ग्राम आयोडीन और 12.8 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड भरी हुई है। तो इसमें प्रत्येक के सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए। तो एक एक काम को निकालना है, इसमें हम सीधा सीधा सूत्र लिखते हैं, इसमें सक्रिय मात्रा पहला एक एक करके लिख दें अपन, हाइड्रोजन का
सक्रिय मात्रा बराबर सक्रिय मात्रा का सूत्र ही है W बटा M नीचे में है गुणित V। मान कहाँ पर मैं रख रहा हूँ, इसमें हाइड्रोजन का W का मान द्रव्यमान दिया हुआ है एक, ये हो गया यहाँ पर एक, बटा M अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार होता है दो, रखा मान। आगे गुणित भी, भी का मान यहाँ पर दो लीटर आयतन वाले हैं, या अर्थात इस पूरे सवाल में भी बराबर दो लीटर है, तो इसी मान को रखें अपन दो। ऐसा हल करेंगे तो एक बटा चार, एक बटा चार को और दूसरे तरीके से लिखेंगे, भाग देंगे तो 0.25 मोल प्रति लीटर। एक उत्तर आया इसमें हाइड्रोजन का जो सक्रिय मात्रा है इस सवाल के अनुसार में 0.25 मोल प्रति लीटर आता है। उसी प्रकार से हम आयोडीन की गणना करें सक्रिय मात्रा, तो आयोडीन की सक्रिय मात्रा बराबर इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है 12.7 ग्राम, सूत्र में लिखते हैं अपन 12.7, नीचे में है M, M माने अणुभार, तो आयोडीन का यहाँ पर आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान एक सौ सत्ताईस होता है, 127। तो यहां पर जोड़े अपन दो आयोडीन है, इसीलिए 127 गुणित दो बराबर 254 होगा। ये आयोडीन का आयो टू का अणुभार हो जाएगा, एक आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127, तो आयो टू है तो दो हो गया, तो 127 गुणित दो बराबर 254। आगे आयतन सभी में लिखना है, आयतन तो ऑलरेडी यहाँ पर है दो लीटर ही है, इसे यहाँ पर इस प्रकार से दो लिखेंगे। हल करें अपन 127, यदि अपन इसको 12.7 है, इसको अपन हल करेंगे 12.7 का पहाड़ा पढ़े अपन यहाँ से, तो हमको मिलेगा यहाँ पर ए 20 बार पहाड़ा में आएगा इसमें, ऐसे 127 दूनी 254 दशमलव को बदल दें अपन और हल करेंगे तो 1/20 होगा। और ऑलरेडी नीचे में यहाँ पर है गुणित दो, तो 1/40, और 1/40 को इस प्रकार से अपन हल करेंगे तो 0.025 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से ये उत्तर हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से एच आई का हमको निकालना है, तो एच आई की सक्रिय मात्रा बराबर सूत्र तो हमारे सभी कॉमन है W बटा M नीचे में भी है, उसका द्रव्यमान निकालें, तो यहां पर 12.8 प्रश्न में दिया हुआ है 12.8। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, ऐसा एक होता है, और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 128 होगा। तो यहाँ पर मान को रखें 128 गुणित, यहाँ पर आयतन भी का मान सवाल में दिया हुआ है दो, इसको भी इस प्रकार से अपन हल करते हैं 12.8/128, तो इसका ऐसे नीचे में ऑलरेडी दो है यहाँ पर, इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 1/10, ये 12.8 गुणित 10 बराबर 128, अर्थात 1/10 ऑलरेडी यहाँ पर ये गुणा है, इसको हल करेंगे तो 1/10 दूनी 20
और इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 0.0 इसको इधर लिख रहा हूँ 0.050 इस प्रकार से ये हमको यहाँ पर मान प्राप्त होंगे। तो चारों मान तीनों का हम मान निकाल सकते हैं 0.025 मोल हो गया प्रति लीटर आयोडीन का और एच आई के जो मान है इसमें 0.05 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से और भी कोई सवाल होंगे तो आपको इसी प्रकार से हमको बनाना है, इसमें बस सूत्र को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है W बटा M और नीचे में ही है बटा भी। अब आगे इसी सक्रिय मात्रा के तहत एक नियम है, इसको मैं अगला टॉपिक सक्रिय मात्रा से ही संबंधित नियम है जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, इसके बारे में हम यहां पर समझेंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, इसी को हम सक्रिय मात्रा का नियम भी कहते हैं। सक्रिय मात्रा का नियम, अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ एक्टिव मास इस नाम से जाना जाता है। इसको दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गुल्डबर्ग और दूसरा वैज्ञानिक है नाम है उसका वागे, इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया है जिसकी सहायता से हम इस साम्य नियम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इन्होंने जो नियम कहा है जिसको हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहते हैं या सक्रिय मात्रा का नियम कहते हैं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा क्योंकि इसी पर ये थीम है। तो इसमें ये नियम कहता है कि निश्चित ताप पर, टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए क्योंकि हम साम्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ताप पर पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होते हैं, उसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होते हैं। मैं इसको तोड़ तोड़ के बना रहा हूं थोड़ा आधा आधा भाग को ताकि हमको इस पर समझ आए। आगे और शब्द हैं इसमें, पहले इस पार्ट को देखते हैं। तो निश्चित ताप पर माने तापमान निश्चित होना चाहिए और अभिक्रिया जो है साम्यावस्था होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर साम्यावस्था में यहां पर साम्यावस्था अभिक्रिया के लिए या उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी लिख सकता हूं क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही साम्यावस्था होते हैं। तो साम्यावस्था के लिए निश्चित ताप पर पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होते हैं। तो गौर से इसको समझें अपन अच्छे से। जैसे एक अभिकारक है मान लीजिए ए, और ये यहां पर बना रहा है उत्पाद, तो यहां पर मेरे को उसके क्रिया करने की जो दर है, कितना क्रिया कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको अंग्रेजी बोलते हैं अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती है किसके, उस पदार्थ के सक्रिय मात्रा के समानुपाती है। तो इस पदार्थ का जो अभिकारक है खास करके, तो इसके अभिकारक के सक्रिय मात्रा, अभिकारक हो गया ए, उसका सक्रिय मात्रा इस प्रकार से लिखते हैं अर्थात पदार्थ ए, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा लिख दूं, ये जो पदार्थ है वह अभिकारक है,
खास करके क्योंकि हम अभिक्रिया की दर अभिकारक के लिए लागू करते हैं, तो ये पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होते हैं। तथा आगे शब्द इसमें तथा अभिक्रिया की जो दर होती है वह सक्रिय मात्रा के गुणनफल के भी समानुपाती होते हैं। जैसे यहां पर मैं इसको इस तौर पर कहना चाहूंगा, जैसे मान लो एक अभिकारक है, एक अभिक्रिया है, चलिए इसको मैं आगे की अभिक्रिया द्वारा इसको मैं स्पष्ट करूं। जैसे एक अभिकारक है ए और दूसरा अभिकारक है बी, और ए मान लो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, चलिए, और यहां से उत्पाद बना रहा है, और अभिक्रिया की दर मेरे को लिखना है इसमें, तो अभिक्रिया की दर, अभिकारक पदार्थों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो अभिकारक पदार्थ है हमारा ए और दूसरा अभिकारक पदार्थ है बी, तो उसके सक्रिय मात्रा जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, ये सक्रिय मात्रा है, तो पदार्थ ए की सक्रिय मात्रा और पदार्थ बी के सक्रिय मात्रा के गुणनफल, ये प्लस नहीं है, प्लस यहां पर है, जब हल करेंगे तो ये प्लस के जगह में गुणा होगा। तो पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय मात्रा जिसको बड़े कोष्ठक के द्वारा व्यक्त करते हैं इसके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यह है आपके द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, और ये केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होते हैं, अनुत्क्रमणीय और अन्य प्रकार के अभिक्रियाओं के लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें दोनों तीर चिन्ह दोनों दिशाओं में होते हैं ऐसे अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होते हैं। तो इस प्रकार से ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। आइए इसको हम समीकरण के रूप में थोड़ा सा और लिखें। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर थोड़ा अपन विचार करें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे ए और बी अभिकारक हैं, ये क्रिया करके उत्पाद बना रहा है सी और डी, और चूंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसलिए तीर चिन्ह दोनों दिशा में होगा। अब इस पर हम सक्रिय मात्रा के नियम या जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू करें। तो यहां पर अभिक्रिया में दो पद होते हैं, एक है अग्रगामी अभिक्रिया, अग्रगामी अभिक्रिया, और एक को अपन पीछे वाले तीर चिन्ह जो होते हैं जो दाईं से बाएं दिशा की ओर बता रहा है इसको बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया, अग्रगामी अभिक्रिया और प्रतीक अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसमें इसके जो दर होते हैं इसके लिए यहां पर अलग अलग लिखते हैं अपन। जैसे अग्रगामी अभिक्रिया की दर अलग अलग निकालें, पहले अपन अग्रगामी अभिक्रिया की दर जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखते हैं आर माने रेट जिसको अपन हिंदी में दर कहते हैं, एफ माने स्मॉल एफ लिखा गया यहां पर, इसको हमको पढ़ना है फॉरवर्ड रिएक्शन या हिंदी में कहेंगे तो अग्रगामी अभिक्रिया। तो क्या बोलता है नियम इसमें, कोई भी अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो इस अग्र अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए यहां पर जो ए और बी है वो अभिकारक हैं, अतः अभिकारक ए और बी के सक्रिय मात्रा के समानुपाती होते हैं। इसी को थोड़ा सा और लिखें अपन एक साथ, तो आर एफ इस समानुपात की जगह में हल कर रहा हूं मैं बराबर, और एक स्थिरांक लिखते हैं नाम है उसका मान लीजिए यहां पर के, क्योंकि हम साम्यावस्था स्थिरांक पढ़ने जा रहे हैं इसीलिए हम के लिख रहे हैं, और क्योंकि ये अग्र अभिक्रिया के लिए है हम एफ भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, हम मान लेते हैं चलिए के एफ है जो कि इस अग्र फॉरवर्ड रिएक्शन का साम्यावस्था स्थिरांक है। अर्थात इस प्रकार से सूत्र हो गया ए सक्रिय मात्रा ए गुणित सक्रिय मात्रा बी।
इसको मैं अभी समीकरण नंबर एक मान लेता हूं। आगे इसी प्रकार से इसमें प्रतिप अभिक्रिया की दर भी निकाले अपन, सेम इसी प्रकार से निकालना है। तो प्रतिप अभिक्रिया की जो दर है, प्रतिप अभिक्रिया की दर, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अंग्रेजी में इसको बैकवर्ड कहते हैं, इसीलिए स्मॉल बी के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या हिंदी में कहें प्रतिप अभिक्रिया की दर, समानुपाती होते हैं कोई भी अभिक्रिया की जो दर हो, चाहे वह अग्र अभिक्रिया हो चाहे प्रतिप हो, सीधा सीधा है अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती। तो इस प्रतिप अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक है वह सी और डी है, अर्थात तीर चिन्ह का जो नुकीला भाग होता है वो हमेशा उत्पाद को बताता है, और जहां से शुरू होता है जो बिना तीर एरो वाले हैं वो सीधा अभिकारक को बताते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक सी और डी हैं, अर्थात सी सक्रिय मात्रा सी गुणित सक्रिय मात्रा डी। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का हम अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो हल करें इसको अपन, तो आर बी बराबर समानुपाती, हम बराबर इसके लिए स्थिरांक लेते हैं के, क्योंकि हम इस बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं इसीलिए हम इसको, या प्रतिप अभिक्रिया की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको संकेत के रूप में बी लिखते हैं। तो के बी सक्रिय मात्रा सी गुणित सक्रिय मात्रा डी। अब इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर दो, ये पहला है समीकरण नंबर एक, थोड़ा इस पर एक बार और निगाह डालें सरसरी ढंग से अपन। आर एफ बराबर के एफ सक्रिय मात्रा ए गुणित सक्रिय मात्रा बी, इसी प्रकार से प्रति अभिक्रिया के लिए हम, तो आर बी बराबर के बी सक्रिय मात्रा सी गुणित सक्रिय मात्रा डी। अब साम्यावस्था पर, साम्यावस्था का मतलब ही है जिसमें अग्रगामी अभिक्रिया की दर और प्रतीक अभिक्रिया की दर बराबर रहते हैं, इसी को हम इसका पालन करें अपन साम्यावस्था पर। अग्रगामी अभिक्रिया, या मैं साठ कर संक्षिप्त में लिख रहा हूं, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। ये पहचान है। अब हम इस पर एक बार और थोड़ा सा निगाह डालें, इसमें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जिसमें हम इस प्रकार से दोनों अभिक्रियाओं की दर के बारे में हम बता सकते हैं। और आज हमने यहाँ पर साम्य नियम और सक्रिय मात्रा के नियम के बारे में अध्ययन किया। हम अगले टॉपिक में इस द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अगले जो चरण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।